हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे अचार भुना हुआ, और उसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने कैरियाँ ली थी और इसको मैंने इस तरह कट कर लिया है। कुछ मैंने हरी मिर्च ली है, अगर आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च का भी बना सकते हैं और कैरियों का भी अलग बना सकते हैं। और मैंने इसके अंदर अब ऐड करना है नमक आधा चमचा, ये आधा चमचा, ये भी हल्दी है थोड़ी सी, ये कलौंजी है, लाल पिसी हुई मिर्च है, और ये पिसा हुआ धनिया है, ये थोड़ी सी काली मिर्च है कुटी हुई, और ये हाफ़ कप पानी है, और ये हाफ़ कप यानी ऑयल है, या आप सरसों का ले लें। इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है, सौंफ ली है पिसी हुई, साबुत धनिया है कुटा हुआ, साबुत मिर्च जो है कुटी हुई जो होती है वो ली है मैंने। इसको मैंने घी में या ऑयल में जिसमें भी आप ऐड करना चाहें उसमें मैंने ये अपने पिसे मसाले सब डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा भून रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह इसका मसाला कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी अपने सारे कुटे हुए मसाले, ये साबुत मिर्च कुटी हुई, और ये साबुत धनिया कुटा हुआ, और ये सौंफ है कुटी हुई, और ये ज़ीरा पाउडर है कुटा हुआ। इसको अचना है और पका लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपनी हरी मिर्चें और कैरियाँ। इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मुझे को पकाना है ताकि इसमें कोई भी कच्चापन ना आए, क्योंकि सारे कच्चे हमारे मसाले हैं ये। आप इसके अंदर मैंने सिरका इसमें 2 ड्रॉप्स डाले हैं, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया है, रोगन ऊपर आ गया है इसका। ये कैरियाँ और हरी मिर्ची भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके अंदर मैं बस हाफ कप पानी डालूंगी और इसको फिर मैं हल्की आँच पे पकने दूंगी। इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और मेरी ये कैरियाँ भी गल जाएंगी और ये मसाला अच्छी तरह भून जाएगा। ये मैंने पानी ऐड कर दिया है। कैरियों में मैंने सिरका इसलिए डाला है क्योंकि ये न्यू कैरियाँ चल रही हैं, स्टार्ट हुई हैं, तो उसमें अंदर खटास इतनी नहीं है। आप अगर आपकी कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हो तो फिर आपने स्किप कर दिएगा। ये देखें इसको मैंने ढक दिया है और इसको मैंने 5 मिनट के लिए बस रखा था हल्की आँच पर, आधा कप पानी डालकर, और ये पक चुका है। इसे मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। देखो इसका लुक कितना अच्छा आया है, बिल्कुल अचार जैसा लगता है। आप इसे फ्रिज में 1 हफ़्ता रख के आप खा सकते हैं। इसमें मैंने सिरका डाला है, आप भले नहीं डालें अगर आपकी कैरियाँ खट्टी हैं तो, इससे ख़राब भी नहीं होता है सिरका ऐड करने से। आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी ऐसी रेसिपी शेयर करूं। इन कैरी के हिसाब से हवाले से मैं आपको और भी करूंगी। और ये देखें ये दाल चावल मैंने बनाए थे, इसके साथ मैंने ये अचार भुना है। आप भी इसके साथ खा के देखें, बहुत